तो माफी मांगने से ये व्लॉग शुरू करते हैं। माफी जिन जो लोग मुझे जानते हैं उन वो लोग समझ जाएंगे, जो लोग नहीं जानते वो लोग अब समझ जाएंगे कि पहले तो भाई माफी हाथ जोड़ के कि मेरा व्लॉग जो है वो बहुत लेट आ रहे हैं। पहले पहले शुरू शुरू में जैसे कि मैं हर व्लॉग अपने बोलता हूँ कि पिछले हर व्लॉग जो थे मेरे बैक टू बैक आ रहे थे, लेकिन अब कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसी सिचुएशंस बन गई हैं कि या टाइम मैनेजमेंट कर लो कि हो नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से मेरे व्लॉग्स जो हैं वो काफ़ी डिले हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने व्लॉग्स बनाना बंद कर दिए हैं। कोशिश मेरी, मैं वादा नहीं करता आप लोगों को कि अपने नेक्स्ट व्लॉग जो है मेरे बहुत जल्द से जल्द आएंगे, जल्दी जल्दी बैक टू बैक एक व्लॉग के बाद, मतलब कि वो समझ रहे हो ना कि हम नेक्स्ट फ्लाइंग बीच तो नहीं बन जाएंगे कि हर रोज आपको नया व्लॉग मिलेगा, लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि जल्दी जल्दी आपको लोगों को व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं गाड़ी की। तो गाड़ी लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखो, इससे पहले जो मेरे पास गाड़ी थी वो काफ़ी पुरानी थी, पुरानी हो गई थी, और मेन चक्कर वो भी नहीं था। मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो थी हरियाणा नंबर, और आपका भाई जो है वो रहता है जम्मू में, और जम्मू के आरटीओ ने बहुत ही नरमी से कहा है कि अगर आप जम्मू के रेजिडेंस हैं और आप किसी और स्टेट की गाड़ी जम्मू में चलाते हैं तो कृपया करके उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है वो जम्मू में करवा दीजिए, मतलब कि जम्मू नंबर ट्रांसफर, मतलब कि जम्मू नंबर लगवाइए उसको। और ये प्रॉब्लम भी है, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि गाड़ी जो है वो बहुत काफ़ी पुरानी हो गई थी और काफ़ी कंप्लेन्स आने लग गई थी गाड़ी में। अब तो घर वालों ने सोचा कि यार जब इतनी खिचखिच महामारी करनी है तो एक नई गाड़ी ले लेते हैं। तो इसके चलते हमने डिसाइड किया फैमिली ने मिलके कि भाई एक नई गाड़ी लेते हैं। तो हमने वो पुरानी गाड़ी बेची और नई गाड़ी की जो है वो बुकिंग करवाई। तो अब जाना है मुझे शोरूम, क्योंकि इनके ना खिचखिच महामारी बहुत होती है। तो एक बार मैंने डिसाइड किया कि इनके पास जाते हैं, एक बार अच्छे से इनसे पूछ लेते हैं कि भाई साहब आपको क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ताकि जब हम गाड़ी लेने आएंगे तो भाई साहब गाड़ी हम लेके जाएंगे, फिर हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी कि सर ये मिसिंग है वो मिसिंग है, समझे ना। धूप जो है, धूप बहुत तेज है, इसलिए पहले मेरी प्लानिंग यही थी। अरे गाड़ी के नीचे बैठे हुई है मैडम, बाहर आ जाओ प्लीज। हाँ, तो पहले प्लानिंग मेरी यही थी कि बाइक पे जाऊँ, लेकिन थोड़ा सामान और लेना था तो उसकी वजह से मैं बाइक ले नहीं जा सका, तो अब गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी इतनी गर्म है कि सीट पे बैठते ही लग रहा है ऐसे कि रूह निकल गई हो कानों से, हो कसम से, जैसे कि तपती जलती रेत होती है ना, जैसे पॉपकॉर्न आपने देखा होगा फट 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 करके पॉपकॉर्न बनते हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे कि जलती हुई रेत, तपती हुई रेत पे बैठ गया हूँ। बाइकड़ थीम थोड़ा सा बोरिंग हो गया ना सिनेमैटिक का, एक काम करते हैं थोड़ा सा पीछे आते हैं और फिर प्ले करते हैं। सर्व मंगल मांगल शुभे सर्वार्थ।
शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी ओम श्री राम दूत पवन पूत गए जय श्री राम जी के काज सवारे जय श्री राम श्री हरि गाड़ी में गेड़ियां मार ली हुई हैं, बच्चों को भी खुश कर दिया, चक्कर वक्कर लगवा दिया हुआ है, पूजना भी गाड़ी की करवा ली है। और अब आपको लग रहा होगा कि यार वीडियो जो है पूरी सिनेमैटिक में निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं, क्लाइमैक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। और अब मुझे गाड़ी में डलवाने थे सीट कवर, और सीट कवर जब डलवाने हो तो होता है क्या कि पूरी तैयारी, मतलब कि पूरा दिन जो है वो निकल जाता है आपको। मतलब अगर आप मॉर्निंग में उनके पास जाते हो, शाम को 7-8 बजे आपको वो फ्री करेंगे। हमने डिसाइड ये किया कि हम सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह करके, तो लंच की कोई दिक्कत नहीं है, भूख वगैरह लगेगी नहीं, एडजस्ट कर लेंगे एक दिन के लिए। तो सुबह मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल गए, वहाँ पे पहुँच गए। अब वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग बिजी हैं, लेकिन हम तो विले बैठे हुए हैं। भैया जैसे जैसे लंच का टाइम आया तो लगने लगी भूख, और आसपास जो है कोई दुकानें भी नहीं थी, तो आ जाके एक ही रास्ता दिखा हमको। क्या चढ़ गए? ये इतना प्रयास किस लिए हो रहा है कंध में चढ़ने? क्या क्या चाह रहे हो? हम कल्ले खाना चाह रहे हैं। जामुन चढ़ चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, पढ़ मैं अग्नि चढ़ो ही आना यारा है और चढ़ो यार, सारे तुम ये नहीं चढ़ सकते, चढ़ो जाना यार, और सीधी चढ़ रहे हैं ऊपर। ओ इसको ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ा, सो कह रहा ऊपर चढ़ाना ऊपर इसको, ठीक है चढ़। वेट अ मिनट, ठीक है चढ़। औकात में रह के बात कर। सॉरी 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 नहीं लिफाफा गाड़ी में रुक जा, एक सेकंड रुक जा। लिफाफा था ना, ये बहुत बड़ा है, इससे तुम इकट्ठे कर सकते हैं एक जगह डाल के। और यार धोने में तो टल्ले पानी से धोएंगे ना थोड़ी देर के लिए। माली आ गया ना, मैं भाग जाना यहाँ से, साले तेरे को इतने ही टांग अंदर खींच देगा तेरे को, और बाहर से आवाजें आएंगी मेरे को, आ छोड़ दो। तो बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट वगैरह करके इसको ऊपर चढ़ाया, और ये बंदा जो है मतलब कि टल्ले तोड़ने, मतलब जामुन तोड़ने में इतना लीन मगन हो गया है कि इसको ये नहीं पता कि पीछे एक आदमी खड़ा है, शायद से माली है, और वो इसको देख रहा है बड़े आराम से। और माली की भी यहाँ पे, माली का भी क्या खूबसूरत अंदाज देखो, वो बंदे ने बिल्कुल भी एक बार नहीं कहा ओए तू नीचे उतर या कुछ कर, वो बंदा आराम से खड़ा खड़ा इसको देख रहा है, उतार ले बेटा उतार ले। इतने में जैसे बंदे जैसे इसको एहसास होता है कि यार पीछे जो है वहां से आवाज आ रही है कुछ चलने, किसी के चलने फिरने की, और जब ये पीछे देखते हैं बंदा आया चाल चाल मार कूद को गया ऊपर से नीचे, आओ वहां पे कोई आंटी आ गई, बंदे से मुंह लगा रहा था, आंटी ने लगता आंटी आ गई माल कितना इकट्ठा किया वो दिखाओ, तुम्हारी वजह से हम कर नहीं पाए। तो कहानी जो है वो यहाँ पे खत्म करते हैं,
और अगले व्लॉग में बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। और एक बात और है कि माना कि आपके भाई ने आपसे सब्सक्राइबर अपील करना बंद कर दी हुई है या सब्सक्राइबर अपील नहीं कर रहा, इसका मतलब ये थोड़ी ना यार कि आप लोग समझ रहे हो ना, थोड़ा सपोर्ट वोट करो यार, थोड़ा सब्सक्राइबर शेयर करो वीडियोज़ को यार।